मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। समूह विवाह हर साल की तरह इस बार भी यस वीकेंड फाउंडेशन और सागर ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा है। इसमें गरीब लड़के लड़कियों का विवाह कराया जाता है। इस बार 11 दिसंबर 2023 को समूह विवाह होने वाला है, जिसमें सभी धर्मों के लड़के लड़कियों की शादी उनके रीति रिवाज से कराई जाती है। जो ज़रूरतमंद है वो यस वीकेंड फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यस वीकेंड की तरफ से ये भी बताया गया है कि इस बार करीब 50 जोड़ों की शादी कराई जाएगी, जिसमें तलाकशुदा लड़की लड़का या फिर विधवा लड़कियों की भी शादी कराई जाएगी। इस शादी का खर्च यस वीकेंड फाउंडेशन और सागर ट्रस्ट की तरफ से किया जाएगा। हर साल करीब 20 से 25 जोड़ों का विवाह होता है, मगर इस बार 50 जोड़ों की शादी कराई जाएगी। कुछ लोग हैं जो रिश्ते लगाते हैं, अगर उनके पास भी ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो समूह विवाह में शामिल होकर विवाह करना चाहती हैं तो वो भी शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्टेक्ट नंबर यस वीकेंड फाउंडेशन की तरफ से दिया गया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं जो भी समूह विवाह में जो है रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। यस वीकेंड फाउंडेशन और सागर ट्रस्ट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस समूह विवाह को लेकर क्या जानकारी दी गई है आपको सुनाते हैं। आप तमाम पत्रकारों का शुक्रिया कि आप लोग इसको कवर करने के लिए आए, और इसका मकसद इज्तमाही निकाह से जुड़ी जानकारी आपके थ्रू आवाम तक पहुंचाना है कि हम लोग हर साल अल्हम्दुलिल्लाह यस वीकेंड फाउंडेशन और बिगर ट्रस्ट के साथ, इस बार हम लोग सागर ट्रस्ट के साथ हम लोग इज्तमाही निकाह कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह इसमें तमाम गरीब बच्चियां जितने भी हैं, जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे इंशाअल्लाह 50 या 50 से ज्यादा, इन तमाम बच्चियों का निकाह यस वीकेंड फाउंडेशन और सागर ट्रस्ट ज्वाइंटली लेने की जिम्मेदारी उठा रही है। रवि सर, पिछली बार की तरह इस बार क्या क्या सहूलियत रहेगी, किस किस तरीके का रहेगा और कब होगा ये? इस बार इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम 11 दिसंबर 2023 को होगा, और ये फलक गार्डन हॉल खड्डी रोड पे तय होना पाया है, और इसमें जो है सिर्फ लड़के और लड़की को और उनके गवाहों को रजिस्ट्रेशन करना होगा आधार कार्ड पैन कार्ड के थ्रू हमारे ऑफिस पे या हमारे नंबर पे 9820802086 हमारा नंबर है, इस पर पहुंचेंगे और उनका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी, बल्कि इसमें हॉल का खर्च, काजी का खर्च और 100 लोगों का दोनों तरफ से, मतलब जोड़े की तरफ से लड़का लड़की मिला के 100 लोगों के खाने का खर्च, और लड़की को हदिया, पलंग, कबड और जरूरियात के दीगर सामान दिए जाएंगे इंशाल्लाह, जैसा हर बार दिया जाता था। मुस्तहिक लोग हैं उनको आपसे कॉन्टेक्ट करना हो तो क्या देंगे? जो मुस्तहिक लोग हैं वो हमारे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9820802086, ये नंबर है यस वीकेंड फाउंडेशन का, इस पर रابطہ कर सकते हैं। हमारे साथ में सागर ट्रस्ट से हमारे भाई आए हुए हैं, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी साहब हैं मौजूद, एडवोकेट अब्दुल कबीर चौधरी, ये और मजीद जानकारी देंगे इंशाल्लाह। मैं सागर चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से शुएब अहमद खान। जिस तरह यस वीकेंड फाउंडेशन कई सालों से इज्तिमाई शादी का इंतजाम करता आ रहा है, इसी तरह इस बार कुछ बड़ा करने का इरादा किया गया है, जिसके लिए सागर चैरिटेबल ट्रस्ट भी इनके साथ ज्वाइंट हुआ है, इनके साथ कोलैब किया है। इसमें मेन मकसद हमारा ये है, इस बार खास बात ये है कि जैसे जो विवाहें बहनें हैं हमारी, विवाहें और तलाकशुदा जो बहनें हैं उनके लिए हमें मेहनत करनी है। अभी जैसे आप लोग हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले जो आए हैं, ये अलग अलग एरिया से, अलग अलग लोकेलिटी से आए हुए हैं, तो आपको भी ये मैसेज अपने एरिया में भी पहुंचाना है और तलाश करना है, इसलिए बुलाने का मकसद आपका यही है कि वहाँ पे भी तलाश करिए, जो बेवाएं हैं बहनें हमारी, जो तलाकशुदा बहनें हैं उनके बारे में तस्दीक कीजिए और यस वी कैन फाउंडेशन तक इसकी मालूमात पहुंचाएं। सोहेब भाई, किस तरीके से आपने सोचा कि यस वी कैन के साथ कोलैब करके इसे निकाल? देखिए, ऐसा है कि एज अ बिजनेसमैन हमारे पास टाइम काफी कम है। यस, हमने सागर चैरिटेबल ट्रस्ट 1 साल हुआ जिसको फाउंडेशन किया हमने, लेकिन हमने उसमें काम काफी किया है, लेकिन जो निकल के नहीं आ पाए थे, तो हमें ऐसे एक साथी की जरूरत थी। आपकी चैरिटेबल का नाम भी नहीं सुना है? बराबर है, क्योंकि हमने इससे पहले जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह बगैर नाम के किया,
तो इस बार ऐसा था नाम के साथ मतलब एक प्रोफेशनल वे की तरह करना चाह रहे हैं, इसलिए इस बार हमने यस वी कैन फाउंडेशन के साथ कोलैब किया है और इसको एक नई शक्ल देंगे इंशाल्लाह। जैसे तलाकशुदा जो बहनें हैं, जो बेवा बहनें हैं हमारी, हमें इस बार उनकी तादाद को ज्यादा से ज्यादा लेकर आना है और उनके मसले सॉल्व करना है, क्योंकि आप देखेंगे जो तलाकशुदा बहनें हैं, बेवाएं बहनें हैं, उनका क्या जरिया रहता है इसके लिए होने के बाद, उनका जरिया क्या रहता है, या तो अपने भाई के यहाँ रहते हैं या अपने फैमिली माँ बाप के यहाँ रहते हैं, एक सर्टेन टाइम तक के वो लोग उनकी मदद करते हैं, फिर उनका जरिया यही रहता है कि इधर से मदद आ जाए उधर से मदद आ जाए और उनका गुजारा बसर हो जाए। लेकिन लोगों को तलाश करना है और उनके मसले को सॉल्व करना, ये इम्पोर्टेंस है इंशाल्लाह। इसी को लेते हुए सागर चैरिटेबल ट्रस्ट और यस वी कैन फाउंडेशन ने ये इरादा किया, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे उतनी हम इसमें ताउन करेंगे इंशाल्लाह, जो ताउन की जरूरत पड़ेगी फिर आगे भी और लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साथियों, पहले पहले बहुत बहुत शुक्रिया सारे प्रेस वालों का जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकालकर यस वी कैन फाउंडेशन और सागर ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। आप तमाम लोगों का शुक्रिया इसलिए भी है कि आप लोगों की जगह हम लोग आपको एज अ रिसोर्स और एज अ मीडिया इन बिटवीन ब्रिज यूज कर रहे हैं, जो लोगों के बीच में जो बच्चियां गरीब घर की हैं, तलाकशुदा है, बेवा है, उन तक ये मैसेज पहुंचे और रजिस्ट्रेशन बढ़े। लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर में हमने 10 शादी किया थी, अल्लाह का शुक्र है लास्ट टाइम हमने 24 किया था। इस बार इरादा है और सागर ट्रस्ट की तरफ से इसके लिए अलग से स्पेशली एक फंड रिकॉग्नाइज किया गया है कि जो तलाकशुदा बेवा बच्चियां हैं जिससे उनके रिश्ते होते नहीं है, और हम रिक्वेस्ट करेंगे जो अलग अलग शादी के जोड़े लगाने वाली एजेंसीज है वो लोग भी यस वी कैन फाउंडेशन से कांटेक्ट करें। उनके पास अगर तलाकशुदा बच्चियों के बेवा बच्चियों के रिश्ते हैं और उनको कमीशन नहीं मिलता है तो मिनिमम कमीशन सागर ट्रस्ट और यस वी कैन फाउंडेशन ने सोचा अगर ऐसे कोई जोड़े लगाता है तो उसको भी हम उसको एक गुड पैकेज देंगे। हम चाहते हैं मुंब्रा के बाहर की भी होगी। देखिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है यस वी कैन फाउंडेशन का डे वन से हमने ये हर धर्म हर जात हर मजहब के लोगों के लिए ओपन रखा है। ये पर्टिकुलरली सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये पर्टिकुलरली सिर्फ जिनकी शादी ऐसा नहीं है। जी देखिए जैसे हमारे पास डेटा आता है, डेटा आने के बाद में हम टीम बनाते हैं 2 से 3 लोगों की और उनको जैसे आपने भेजा कि अमृतनगर के आसपास के इलाके में उनके पड़ोस में पड़ोसी मोहल्ले के लोगों से इंफॉर्मेशन हासिल करते कि भाई क्या कंडीशन है। दोनों में से लड़की के घर से आया तो पता चल जाता है वो हम लोगों के लड़की के बैकग्राउंड वीक है, क्योंकि लड़के वाले तो वो तय करके आते हैं उस तरह से हम लोग तय करते हैं। तहकीक करने के बाद और इजी है, मुस्लिम लोकैलिटी कोई भी लोग कॉन्टेक्ट आपके जरिए हम सबके जरिए मिल जाते हैं। इसी तरह से करते हुए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने हो सकते हैं वो सब लोग कोशिश करें कि ये मैसेज को फॉरवर्ड करें और रजिस्ट्रेशन करें कि तलाकशुदा और बेवा बच्ची का जो कॉन्सेप्ट है ये अभी तक सामने नहीं आया था। अल्लाह का शुक्र है सागर ट्रस्ट वालों को अल्लाह जजाए खैर दे, उन्होंने ये हिम्मत दी है। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और आप सबकी वजह से ये जो काम सक्सेस पे आया है अब ये एक मुमरा से मिसाल बन गया। अल्लाह करे और मुमरा के इलाके में भिवंडी गोवंडी और महाराष्ट्र के मुस्लिम इलाकों में गैर इलाकों में इस तरह से